हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। भगवान करे कि आप सब लोग अच्छे ही रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ चिकन, और यहाँ पर मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी और इतना जल्दी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तड़का लगा दिया है जीरा और तेजपत्ता का। तो यहाँ पर मैं प्याज डाल दी हूँ और उसको यहाँ पर मैं भून लेती हूँ। मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्याज भून चुका है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ चिकन को और इसको अच्छे से चला देती हूँ, और उसके बाद यहाँ पर इसको ढक देती हूँ। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने मसाला निकाल लिया है और यहाँ पर इसको चला लेती हूँ अच्छे से भून के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चलाकर इसको ढक देती हूँ, तभी इसके बाद मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको ढक कर उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मसाला पीसने मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर सिलौट पर नहीं पीसना है, इसीलिए मैं नहीं पीसी थी और लेट हो चुका है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी शॉर्टकट में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मसाला डाल ली हूँ सारे। हमारा मसाला में है जीरा, गोल मरीच, धनिया और लहसुन और आदि है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इन सभी को यहाँ पर पीस रही हूँ मिक्सर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं पीस रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी तो मसाला डालूँगी। और यहाँ पर देखिए, बच्चे खेल रहे हैं यहीं पर, और यहाँ पर तो जल्दी ही पीस जाते हैं, इसीलिए सोचे कि चलो एक तरफ बैठा देंगे उसके बाद पीस लेंगे वहाँ पर। यहाँ पर चलिए देख लीजिए, मैं आ गई हूँ मसाला पीस कर। तो यहाँ पर अच्छा से हमारा चिकन भी भून चुका है, और यहाँ पर उसके बाद मैं इसको अच्छे से चला के और इसमें मसाला डाल दूँगी मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर मसाला डाल देती हूँ, और इसी में मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी और हल्दी पाउडर, तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ इसी में। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ चारों तरफ, अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला, इसीलिए मैं चला देती हूँ इसको अच्छे से। और यहाँ पर देखिए, मैं स्वाद अनुसार नमक डाल लेती हूँ और इसके बाद इसको भी मैं अच्छे से चलाऊँगी, और इसको हम चला चला के भूनते रहेंगे, छोड़ने का नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे ही चला चला के इसको अच्छे से भूनूंगी। पानी अभी इसको अच्छे से भूनने के बाद डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा चिकन अभी भून रहा है, तो इसको मैं ढक देती हूँ और उसके बाद देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको 2-3 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से ये भून रहा है अभी, और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से भून के इसको ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको पानी डालेंगे, पहले अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से हमारा भून चुका है चिकन। और यहाँ पर देखिए, एकदम तेल छोड़ दिया है, मसाला अलग सब हो गया है कितना अच्छा से। तो यहाँ पर चलिए, मैं पानी डाल देती हूँ अपने अंदाज से, जितना हमको इसमें रसा चाहिए। आप लोग को जितना चाहिए रसा उतना डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर यह है मीट मसाला, इसे थोड़ा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको डालकर मिक्स कर देती हूँ अच्छा से, और इसको हम 10-15 मिनट के लिए ढक देंगे। और यहाँ पर ढक देंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा 15-20 मिनट हो चुका है और यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही चिकन बनकर रेडी हो चुका है। कितना बढ़िया, आप लोग देख सकते हैं, आप इसे रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं भी खाना खाने के लिए जा रही हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं चावल बनाई हूँ, तो चिकन और चावल हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं चावल निकाल ली हूँ, यहाँ पर मैं चिकन निकाल लेती हूँ, और यहाँ पर जाते हैं खाने के लिए हम लोग। तो मेरा तरीका कैसा लगा फ्रेंड्स, शॉर्टकट में बनाने का और इतना जल्दी जल्दी फटाफट बिना झंझट के। तो आप भी चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनाई हूँ चिकन। आप लोग को तो देखकर पता ही चलता होगा कैसा है। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग खाने के लिए बैठे हैं, हम लोग 2 लोग बैठे हैं खाने के लिए एक ही थाली में। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग खा रहे हैं और यहाँ पर टीवी भी देख रहे हैं हम लोग खाना खाते खाते। और जब बना रही थी तो मैं दूसरा लगाई थी, और यहाँ पर मैं अभी आ चुकी हूँ खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर आज का वीडियो इतना ही।
और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो कमेंट कर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। बाय फ्रेंड्स।